हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ एसेसिंग ऑफिसर के बारे में, यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। आपको मैं बता दूं कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर होता है ना, वो दो क्लासेस में डिवाइड होते हैं। एक होता है क्लास वन ITO, यानी कि क्लास वन इनकम टैक्स ऑफिसर, और दूसरा होता है क्लास टू इनकम टैक्स ऑफिसर। जो क्लास वन इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, वो एक ऐसा ऑफिसर होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जबकि जो क्लास टू इनकम टैक्स ऑफिसर होता है उसको अपॉइंट किया जाता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा, यानी कि जो कमिश्नर है इनकम टैक्स का, उसके द्वारा क्लास टू वालों को अपॉइंट किया जाता है। अब मैं बात करता हूं इनकम टैक्स ऑफिसर की, चाहे वो क्लास वन हो या क्लास टू हो। वो लोग ना बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं इनकम टैक्स लॉ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जितना भी लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, वर्क चलता है, उसका जो पूरा सेटअप है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन इनकम टैक्स ऑफिसर यानी कि एसेसिंग ऑफिसर की होती है। वो एक पहला ऐसा पर्सन होता है जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है एसएससी के। एसएससी मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन जो लायबल है टैक्स को पेमेंट करने के लिए। जैसे आपने रेड मूवी देखी होगी, उसमें जो अजय देवगन है वो जिसके घर पे रेड करने जाता है, तो सबसे पहला कॉन्टेक्ट वही करता है किसके साथ, एसएससी के साथ, यानी जिसने टैक्स पे नहीं किया। वो एक ऐसा पहला पर्सन होता है जो इनिशिएट करता है असेसमेंट। असेसमेंट मतलब होता है इवेल्युएशन करना कि उसने कितना टैक्स भरा है, कितना उसका टैक्स भरना बाकी है, वो सारी चीजें जो है वो इवेल्युएशन करता है। और वो जो है वो असेसमेंट जो है उसके ऑर्डर देता है वेरीफाई करने के बाद, जितना भी रिटर्न एसएससी ने पे किया है उसके बाद। आगे बात करें तो ही मेक्स द डिमांड फॉर इनकम टैक्स। वो डिमांड भी करता है कि तुमने इनकम टैक्स कितना पे किया, नहीं पे किया तो आपको पे करना पड़ेगा। ही हैज टू मेक असेसमेंट ऑफ एसएससी। सोचो, ये जो पर्सन होता है जो एसएससी का असेसमेंट लेता है, एसएससी मतलब जिसने टैक्स भरना बाकी है या जिसने टैक्स भर दिया है, उसका असेसमेंट लेता है, इवेल्युएशन लेता है, वो उतना ही कर सकता है जितना उसके डिपार्टमेंट के अंदर कवर होता है। ही हैज टू ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क डन बाय इंस्पेक्टर एंड अदर एम्प्लॉइज वर्किंग अंडर हिम, यानी कि उसको जो सुपरवाइज करना होता है उसके अंडर जितने भी इंस्पेक्टर आते हैं या जितने भी एम्प्लॉइज आते हैं। जैसे आप देख सकते हो अजय देवगन है, उसके साथ में पूरी टीम है, तो ये जितने भी लोग हैं उन सबका जो वर्क है उसको भी सुपरवाइज किसको करना पड़ता है, इस इनकम टैक्स ऑफिसर को। बोलो, क्लियर हुआ? इफ एन एसएससी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर पास बाय द एसेसिंग ऑफिसर, यानी कि अगर मान लो एसएससी जो है, जो एसेसिंग ऑफिसर है, उसने जो भी ऑर्डर पास किया है एसएससी के खिलाफ, यानी कि जो पर्सन है, जैसे मान लो अजय देवगन यहां पे एसेसिंग ऑफिसर है, और जिसके सामने जो रेड की है वो एसएससी है, ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपील कर सकता है, फाइल कर सकता है कंप्लेन किसको, इनकम टैक्स कमिश्नर को अपील कर सकता है। वो भी कितने टाइम में, 30 डेज के पीरियड के अंदर वो नोटिस दे सकता है, अपनी डिमांड जो है वो कर सकता है किसको, इनकम टैक्स ऑफ कमिश्नर को। बोलो, क्लियर हो गया? तो इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो ऑर्डर पास करता है एसएससी को, इफ एसएससी इज नॉट सेटिस्फाई, वो सेटिस्फाई नहीं है, तो इनकम टैक्स कमिश्नर के पास वो जा सकता है 30 दिन के अंदर अंदर। बोलो, क्लियर हो गया? तो यहां पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया इनकम टैक्स ऑफिसर का, एसेसिंग ऑफिसर का। अब हम लोग देखते हैं इसके पावर्स, यानी कि एसेसिंग ऑफिसर को क्या क्या पावर्स दिए हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर्स के पावर क्या है। यहां पे मैंने जितने भी पावर्स बताए ना, वो कम है, 10 ही पॉइंट बताए हैं। इससे भी काफी सारे ज्यादा पावर्स जो है वो दिए गए हैं इनकम टैक्स ऑफिसर को। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इनके पास पावर होता है असेसमेंट करने का और इश्यू करने का नोटिस। जो भी एसएससी है, मतलब कि जिसने भी टैक्स नहीं भरा या उनको शक है कि इसने बहुत कम टैक्स भरा है, इनके सामने वो लोग नोटिस भी दे सकते हैं और असेसमेंट भी कर सकते हैं। असेसमेंट मतलब होता है इवेल्युएशन करना, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना, ठीक है। इनके पास पावर होता है कि वो एसएससी को इंस्ट्रक्ट करे कि वो अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाए। ऑडिट का मतलब होता है चेक करवाए कि भाई आपको अपने अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ है, चेक करवाना पड़ेगा, हमसे करवाओ या किसी और से, बट जनरली वो लोग खुद ही चेक करते हैं, ऑडिट करते हैं। फिर पावर टू ग्रांट रिफंड अगेंस्ट एनी आउटस्टैंडिंग टैक्स फ्रॉम द एसएससी, यानी कि एसएससी जो पर्सन है उसने टैक्स भर दिया है, मतलब उसको ज्यादा टैक्स भर दिया, तो उसका रिफंड की प्रोसेस भी वो कर सकता है, एज वेल एज कोई भी तरह का आउटस्टैंडिंग टैक्स है अभी तक भरा नहीं है, उन सबकी प्रोसेस की जिम्मेदारी किसकी होती है, एसेसिंग ऑफिसर, उसके पास पावर है। उसके पास ये भी पावर है कि वो पान नंबर अलॉट कर सकता है, पान नंबर मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, वो अलॉट कर सकता है। फिर है पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन,
उसके पास ये पावर है कि वो आपसे इंफॉर्मेशन ले सकता है, उसको कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग टू द फाइनेंस या तो रिगार्डिंग टू द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो आपसे इंफॉर्मेशन ले सकता है, उसके पास पावर है, वो सर्टेन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है, मतलब वो जो चाहे वो इंफॉर्मेशन आपसे ले सकता है। नेक्स्ट बात करें पावर टू इंस्पेक्ट रजिस्टर ऑफ कंपनी, कोई भी कंपनी का रजिस्टर चेक करने का भी पावर उसके पास है। पावर टू इम्पोज पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, मान लो कोई पर्सन है जो टैक्स पे ही नहीं कर पाए, डिफॉल्ट मतलब कि वो मतलब उसके पास थोड़ा भी पैसा नहीं, वो पे ही नहीं कर पाया, तो उस पे पेनल्टी जो है वो इश्यू करने का काम किसका है, वो इनकम टैक्स ऑफिसर का है। पावर टू रिक्विजिशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि वो कोई भी बिजनेस के पास जा करके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मांग के चेक कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, रिक्विजिशन कर सकता है कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बताओ। नेक्स्ट पावर ऑफ सर्च एंड सीजर इफ ऑथोराइज्ड बाय हायर अथॉरिटीज, यानी कि उसके पास ये भी पावर है कि वो आपके यहाँ पे आकर के वो सब कुछ जांच पड़ताल करेगा, भाई वो टाइल्स खोल के देखेगा, पीओपी तोड़ के देखेगा, वो आपकी दीवार खोल के देखेगा, तो मतलब कहने का मतलब कि वो हर एक तरह की सर्च और सीजर करता है। अगर उसको कोई डाउट लगता है, आपकी बुक्स में डाउट है, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में कुछ डाउटफुल लगता है, तो उसको सीज कर सकता है, अपने पास ले जा सकता है, बट ये सब तभी कर पाता है जब उसके पास अथॉरिटी हो, उसके हायर अथॉरिटी, मतलब कि उसके पास ऑथोराइज्ड होना चाहिए कि उसके हायर अथॉरिटी ने बोला है जाओ जाके रेड करो और जाकर के सारा का सारा जो भी पैसा है ब्लैक मनी वो सब लेके आओ, तो उस टाइम पे उसके पास पावर होती है, वारंट होता है, वो सर्च करेगा, सीज करेगा और सब ले जाएगा। तो इस तरह से यहां पे मैंने टोटल आपको 10 पावर समझाए एसेसिंग ऑफिसर के। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए, तो ये सारे पॉइंट्स जरूर याद कर लेना। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।